आपकी भी बुद्धि को बांध दिया गया है? क्यों अक्सर आप कहते सुनते हैं ना, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, इसकी जड़ बुद्धि है, ऐसा लगता है इसकी बुद्धि को बांध दिया गया है, काम करने का मन नहीं करता, करता है तो एक काम पर टिक नहीं पाता, फिर अगेन दूसरा काम, तीसरा काम, यानी काम पे काम बदलता चला जाता है लेकिन काम कोई उसका सार्थक नहीं होता। बच्चे भी हैं, पढ़ने में उनका मन ही नहीं लगता, कुछ भी उन्हें समझा लो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, उन्हें वही करना है जो उनके मन में आता है। बड़े से लेकर बुजुर्ग तक भी हो सकते हैं ऐसे जिद्दी जिसको बोलते हैं। इसके सही कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ज्योतिषी ही होता है कि बहुत बार ग्रहों की दशाएं या बैठकी ऐसी होती है जिसकी वजह से उनकी बुद्धि बंध जाती है, ग्रहों की युतियां ऐसी होती हैं कि उनकी बुद्धि बंध जाती है, या फिर या कोई उन पर किया कराया कर दे, या कोई नज़र टोक लगा दे, या किसी की दृष्टि ऐसी हो कि सीधे उनकी आंखों से आंखें मिल जाएं और वो व्यक्ति उसके बारे में गलत सोच रहा हो, तब भी उसकी व्यक्ति की बुद्धि को बांध दिया जाता है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आप उसे कुछ भी समझाए नहीं समझता, लेकिन कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आता है, बच्चा तुरंत उसकी बात मान लेता है, और आप देख रहे हैं बार बार ऐसा कर रहा है, उस व्यक्ति की ही बात स्पेशल मांगने लगा है, तब ये ग्रहों की वजह से नहीं है, तब उस व्यक्ति ने इसको बांध लिया है, इसकी बुद्धि को बांध दिया है। और अगर आपके संग में ऐसा हो रहा है कि आप एक काम बदल रहे हैं, किसी की बात सलाह आप नहीं सुन रहे हैं लेकिन फिर भी आपके साथ में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ग्रह गोचर खराब चल रहा है, ग्रह गोचर में कुछ ऐसी युतियां हैं जिसकी वजह से आपकी बुद्धि बंध गई है। इस बंधी बुद्धि को खोलने के लिए आज मैं उसको चमत्कारिक रूप से घर में रहकर ही करने वाले प्रयोग बताऊंगी। इसके लिए आपको किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक वाले पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टरों को आप डॉक्टर पर जाते हैं तो डॉक्टर कह देता है कि भाई आप तो डिप्रेशन के शिकार हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस है जिस वजह से आपके साथ में ऐसा हो रहा है, ये बार बार स्थितियाँ ऐसी हो रही हैं और आप डॉक्टर की सलाह पर नींद की दवाइयाँ लेने लगते हैं तो और भी आप बेकार हो जाते हैं, कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। आ जाइए दोस्तों, मेरे वीडियो थोड़ा लॉन्ग इसलिए भी हो रहे हैं दोस्तों, तथ्यों को जब तक नहीं समझाऊंगी आप नहीं समझेंगे, इसलिए मेरी कोशिश होती है आप अच्छे से समझ सकें और इन उपायों को मन के साथ में अपना सकें जिससे इनको आपको जल्दी आपके ऊपर फलीभूत हो जाए। राधे राधे, नमस्कार, मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आपके दिन को लकी और बेहतर बनाने के लिए हर दिन देती हूँ आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। एक मिनट का प्रयोग है जिसे आप करते हैं आप अपने जीवन में बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। इन प्रयोगों की खासियत है दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, ना इसमें राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे वो लड़के हों, लड़की हों, महिला पुरुष, करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। राहु काल भी बताती हूँ, अभिजीत मुहूर्त का समय भी बताती हूँ, साथ में लकी नंबर भी देती हूँ। एक बार अगर आप इन्हें ढंग से समझ लेंगे, फिर डेली आप करेंगे तो आप खुद से महसूस करेंगे अब आपके दिन अच्छे जाने लगे हैं, अब आपके काम बनने लगे हैं। 23 मार्च 2024 दिन शनिवार, राहु काल है 9:34 से 10:56 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:03 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 दाने मिश्री के और 5 दाने काली मिर्च के, इसको चबा चबा कर सेवन करना है। आपको डायबिटीज़ है और आपको डायबिटीज़ बढ़ी हुई है तो 5 की जगह आप 2 दाने ले लीजिए, इससे कोई हर्ज नहीं है। तो आज आपके अंदर शुक्र और शनि की ऑरा बढ़ेगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। जादुई अक्षर है ता, तरुण वाला ता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात हो रही है बंधी बुद्धि की। इसमें सबसे पहले तो ज्योतिषीय कारण बनते हैं, अगर आपके लग्न पर शनि का प्रभाव आ जाए या राहु का प्रभाव आ जाए और शनि और राहु दोनों ही चंद्रमा को देख रहे हो, साथ में बुध को भी देख रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों की जड़ बुद्धि हो जाती है, यानी उनको जल्दी से कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं, या वो सिर्फ जिद्दी हो जाते हैं, अपने मन की करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे स्लो हो जाते हैं या ऐसे व्यक्ति भी स्लो हो जाते हैं। और चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि होने की वजह से
इनके अंदर वो एनर्जी खत्म होती जाती है, मंगल इनका लो होता जाता है, बुध इन्हें सोचने नहीं देता, जिस वजह से ये अच्छा सोच नहीं पाते, ये सामने वालों की बातों में आते जाते हैं और हर कार्य वो करते जाते हैं, इनको लगता है सामने वाला जो बता रहा है वही ठीक है। घर वालों की नहीं सुनेंगे, बाहर वालों की ही सुनेंगे और किसी की नहीं सुनते हैं। अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई में लो हो रहा है तो हो सकता है कि उसकी कुंडली में बुध राहु का जड़ योग हो या शनि राहु बुध और चंद्रमा का जड़ योग हो। ऐसे बच्चे पढ़ाई में डल होते चले जाते हैं, पहले तो पढ़ा हुआ याद ही नहीं होता है, पढ़ भी लेंगे तो एवरेज से भी कम नंबर लाते हैं। तो पहले तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसका रहन सहन बदलिए, यानी डेली स्नान जरूर कराइए, नीले काले कपड़े छुड़वा दीजिए, डेली उसको कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पीना है, सूर्य की रोशनी में जरूर बैठाना है। यहाँ मैं जो आपको सिम्टम बता रही हूँ ये बड़े व्यक्तियों में भी हो सकते हैं ना, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा है, काम क्योंकि काम कौन चलाता है, शनि। अब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे व्यक्तियों को पहले निगेटिव इतने हो जाते हैं, करने से पहले आपको दुनिया भर की ऐसी बातें बता जाएंगे काम शुरू करने से पहले कि आप खुद डिप्रेस हो जाएं, अरे भैया इस बंदे से दूर रहिए, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ की फालतू की बातें करता है, यानी कि बातें ऐसी करेगा कि जो आपको भी समझ से परे चले जाए। और राहु का प्रभाव इसमें सबसे ज्यादा आ जाता है। हमारी बुद्धि यानी यहां पर ये आज्ञा चक्र जहां से हम हर चीज को ग्रहण करते हैं, किसी से भी मिलते हैं तब, किसी की भी बात सुने हो तब, इन आंखों के जरिए और ये आज्ञा चक्र के जरिए, यहाँ आज्ञा चक्र पर शनि का ही अधिकार अधिक होता है। जब हमारी कुंडली में भी शनि का अधिकार ज्यादा होता है तो ये उस वजह से सामने वाले की बातें हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं। बात करूं किसी के किए कराए की, तो इसमें किया कराया भी बहुत जल्दी हो जाता है। किसी ने कुछ आपको टॉफी इत्यादि खिला दी, कुछ पानी ही पिला दिया आपको, तब ये बहुत जल्दी हो जाता है। आपसे अपना कोई ऐसा है जो आपसे बदला लेना चाहता है, वो आपको आपकी तरक्की से जल रहा है या आपके बच्चों की तरक्की से जल रहा है, आप किसी के आगे, देखिए आज के इस परिवेश में अपना कौन पराया कौन पता ही नहीं चलता है। जहां अंदर से ऐसा लगता है बाहर से कोई कितना प्रेम दिखा रहा है लेकिन अंदर अंदर आपकी जड़ काट रहा है, कैसे पहचाने, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं, तो ये प्रयोग है, आप अपनी स्वयं की रक्षा करिए, तब चाहे कोई कितना भी किया कराया होगा आपके ऊपर असर ही नहीं होगा। बात करती हूँ पहले कुंडली की, तो जैसे मैंने आपको सिम्टम बताया, अगर ऐसा हो रहा है सूर्य की रोशनी में जरूर ले जाइए, सूर्य की रोशनी में जरूर उसको 5 से 7 मिनट जरूर खड़ा होना है। इसके साथ ही केसर का टीका डेली इनसे लगवाइए, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। डेली अपने भोजन में से, इनके भोजन में से जो पहला ये निवाला खाते हैं उसमें से 3 को और बाहर निकलवाइए, फिर ये खाना खाएं और इसको ले जाकर बाहर पक्षियों को डाल दें। अगर पॉसिबल हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने माता पिता के पैर जरूर छूने चाहिए, चाहे वो छोटा हो बच्चा या बड़ा बच्चा हो, और घर के मंदिर में भी ईष्ट को प्रणाम जरूर करना चाहिए। नीले काले कपड़े बिल्कुल ना पहने, छोड़ दें बिल्कुल। साथ में ही आप डेली स्नान करेंगे, पानी आप अधिक से अधिक पियेंगे। अब ये जो मैं प्रयोग आपको बता रही हूँ, ये प्रयोग आपको रात्रि के समय, आप सुबह बिस्तर पर उठ गए हैं तब अर्ली मॉर्निंग, या फिर रात में सोते समय भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसे बच्चे को भी कराना है, आपका छोटा बच्चा है उसे भी कराइए, आपका बड़ा बच्चा है उसे भी कराइए। अब ये मत कहिए बच्चे नहीं सुनेंगे, सुनेंगे, आप सुनाएंगे तो जरूर सुनेंगे। ये विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिन्हें पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, जब तक उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो पढ़ाई में लो ही रहेंगे। आप जी मर्जी उनसे कितनी भी ट्यूशंस लगवा दीजिए, आप जी मर्जी उनकी कितनी भी उनको वो करा दीजिए, नहीं एक्टिवेट होगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए जैसे मैंने आपको केसर बताया, केसर का टीका डेली लगवाना है, घर के मंदिर में भी हाथ जरूर जुड़वाने हैं, माता पिता के चरण स्पर्श जरूर कराने हैं। अब ये बैठ जाएं, अपने बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं और कहीं शुद्ध अवस्था में बैठ सकते हैं। अब यहाँ बैठकर हाथ पैर धोकर बैठेंगे, रात्रि में कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं तो उठते ही बिस्तर पर बैठ के ही कर सकते हैं। बैठ गए, आप 5 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे, सांस लेने के साथ में इस जो मैं प्रयोग बता रही हूँ उससे कैसा भी किया कराया होगा समाप्त हो जाएगा। फिर आपको अपनी ये 3 उंगलियां हैं आपकी, ये 3 उंगलियां, ठीक है, ये उंगली आपको यहाँ रखनी है और बाकी की 2 यहाँ रखनी है, यूं अंगूठा मोड़ लिया, ये आपने मोड़ लिया, ये यूं 3 उंगलियां हैं, इसको बीच में रख के यूं करेंगे आप, यूं यहां पर, यानी 2 उंगलियां आपकी वहां पर रहेगी और 1 आपकी आज्ञा चक्र पर रहेगी इस तरह से। अब आपको 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इन पे प्रेशर भी देना है,
इन पे प्रेशर भी देना है जिससे कि आपका ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाए। भोलेनाथ का ही मंत्र क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के अधीन सारे 9 के 9 ग्रह हैं। किसी भी भूत प्रेत किया कराया भोलेनाथ की आराधना से तुरंत कट जाता है। भोलेनाथ को इस जगत का ये संहार करता इसलिए नहीं बोला गया है, मृत्यु से बचाते हैं, मृत्यु तुल कष्ट से बचाते हैं, किए कराए से बचाते हैं आपको भोलेनाथ। तो 21 बार आपने इस मंत्र का जाप कर लेना और आराम से आप उठ जाइए। डेली आप करना शुरू करेंगे इसे, 1 हफ्ते के अंदर आप वो एनर्जी महसूस करेंगे। अब आपको लगेगा जिसने भी जो भी किया कराया होगा, कुछ भी आपको खिला पिला दिया है, वो उसका किया कराया धीरे धीरे आपके शरीर से निकलने लगेगा। पेशाब के जरिए या आपके पसीने के जरिए वो अपने आप निकल जाएगा। फिर ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर बार बार आपको फोर्स करके कुछ चीज़ें खिला रहा है तो उससे खाना बंद कर दीजिए, मना करना सीख जाइए। आपको लगता है कोई आपको बड़े आपके बच्चे को लाड़ करके कुछ ना कुछ दे जाता है, मत लीजिए, ले लीजिए, किसी को दे दीजिए, अपने बच्चे को मत देने दीजिए। वो आपके कोई भी हो सकते हैं, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि फिर इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो कोई अपना आपका ऐसा है या आपको कोई वैसे भी, तो आप उससे छोड़ दीजिए, मत लीजिए बच्चे के लिए। और विशेष रूप से बड़ों से भी मैं कहना चाहती हूँ, बड़े लोग क्या होते हैं कि संध्या के समय अपने दोस्तों के बीच में बैठ जाते हैं और अपना ये थोड़ा बहुत बाहर का खा भी पी लेते हैं। तो ध्यान रखिए अगर कोई दोस्त बार बार आपको कुछ चीज़ें खिला रहा है और बार बार वही बिल पे कर रहा है तो ध्यान से देखिए कि कहीं कुछ ये खाने में कुछ कर तो नहीं रहा, आपकी तरक्की को बाधित तो नहीं कर रहा है, या आप जब से इसके साथ में आप उठने बैठने लगे हैं तब से आपकी तरक्की बाधित हो रही है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। हम सुरक्षित होंगे, हम अपने ज्ञान का ध्यान रखेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब एक उपाय हर घर की महिला के लिए जिससे कि इस तरह की स्थिति से वो बाहर आए। अगर महिलाओं को भी ऐसा लगता है तो वो भी ये प्रयोग ज़रूर करें जिससे कि उनका भी बुद्धि का बंधन खुल जाए, या उनके पति उनसे कहते हैं आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, या बच्चे उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, या पति उन्हें मान सम्मान नहीं देते थे, या उन्हें परिवार में मान सम्मान नहीं मिला, या वो बीमार बहुत अधिक रहती हैं, तब भी आप यही प्रयोग करेंगी। एक प्रयोग आपको करना है कि डेली आपको अपने घर में शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के साथ में एक लोटा जो जल भर के रखेंगी उस जल को आपने 2 तुलसी के पत्ते डालकर इसको अभिमंत्रित करके पूजा में धूप दीप दिखाकर इस जल को सभी के पानी की बोतलों में डाल दीजिए, पिलाना शुरू करिए क्योंकि ये आपका जल अभिमंत्रित हो गया है। खुद भी पीजिए, सबको पिलाइए, अपने घर के परिवार के सदस्यों को। देखिएगा कैसा भी किसी के ऊपर किया कराया नजर टोक तंत्र बाधा सब कुछ कटने लगेगा, बुद्धि का बंधन खुल जाएगा, बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। यही व्यक्ति अब आपको आप देखेंगे ऊंचाइयों पर चढ़ने लगा है और ये तरक्की इतनी करेगा कि व्यक्ति अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करेगा जो आप सोचते कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही व्यक्ति इतिहास रचते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है 23 तारीख को ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा, अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपको भी लगता है कि आपके आसपास में आपके दोस्तों में रिश्तेदारों में कोई भी इस तरह से पीड़ित है, ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए रहते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी सामग्री चाहिए उसके लिए भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, कल फिर आऊंगी आपके लिए ऐसे कुछ नया विषय लेकर। तब तक के लिए